बीते कुछ सालों से मेलघाट आकोट अकोला रेलवे सेवा बंद रहने से ग्रामीण के आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी होते नजर आ रही है। धूलघाट रेलवे से झरी की ओर जाने वाले मार्ग की दयनीय अवस्था में रहने के चलते इस मार्ग से आवाजाही मुश्किलों भरी साबित हो रही थी। वही मेलघाट आकोट का संपर्क खराब रास्तों के कारण बंद रहने से चर्चाओं में बना देखा जा रहा था। इस बात को मद्देनजर क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने लोक निर्माण विभाग तथा व्याघ्र विभाग के अधिकारियों के साथ मेलघाट से धरी आकोट अकोला मार्ग का जायजा लिया। इन रास्तों की बदहाल स्थिति का निरीक्षण कर विधायक पटेल ने प्रशासन की अड़चनों को समझा तथा खराब रास्तों के संदर्भ में अधिकारियों से जानकारी हासिल की और तुरंत रास्ते का काम पूर्ण कर नागरिकों को सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि मेलघाट का आकोट अकोला जैसे बड़े शहरों से संपर्क बना रहे, साथ ही मेलघाट वासियों को आवागमन के लिए उत्तम सड़क की सुविधा मुहैया हो सके, इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के उपस्थित उप अभियंता राजेंद्र मालवी को निर्देश दिए गए। इस दौरान मेलघाट व्याघ्र विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद पठान आदि उपस्थित थे। विधायक राजकुमार पटेल के मेलघाट झरी से आकोट अकोला मार्ग का जायजा लेने और रास्तों को तैयार करने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाने के बाद मेलघाट वासियों में हर्ष का वातावरण देखा जा रहा है। तस्मीन शेख सुलेमान मेमन के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।